क्रूड में कमजोरी का रुख है। ब्रेंट क्रूड का भाव $44 प्रति बैरल के करीब है और WTI क्रूड का भाव $45 प्रति बैरल के करीब है। फिलहाल करीब 0.5% की मजबूती है, ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग आई है और कल जिस तरह से बाजार ने रफ्तार पकड़ी थी, करीब 5% तक भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार समेत घरेलू बाजार में क्रूड के बढ़े थे। दो महत्वपूर्ण फंडामेंटल क्रूड के मार्केट में ऐड हुए थे कल, जिसने मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया था। एक तो ये कि कनाडा के जंगलों में आग की खबर आई थी और दूसरा ये कि लीबिया में जिस तरह से राजनीतिक हालात खराब हुए हैं, ऐसे में लीबिया में उत्पादन घटने की आशंका है। इन दोनों खबरों ने मार्केट को बूस्ट दिया लेकिन ये तेजी टिक नहीं पाई। ऐसे में अजय केडिया, आप क्रूड के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? देखिए, क्रूड में अगर देखा जाए तो फंडामेंटल काफी बेरिश है। हमने जिस दिन से आउटपुट का देखा है, डिमांड सिनेरियो देखा है, मुझे लगता है क्रूड में वापस जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी सब चीज डिस्काउंट हो चुकी है। नॉट ऑल के कैनेडा के जंगलों में आग लगी, वो कहीं ना कहीं प्राइजेस को लिफ्ट किए, जो हमने करीबन $45, $50, $46 तक का लेवल देखा। आज के सेशन में मुझे लगता है गिरावट का रुख रह सकता है, बट $43 के नीचे मुझे एज ऑफ नाउ जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मार्केट वहां से वापस चलना चाहिए जो $48 तक अगले वीक में दिखा दे। पर्टिकुलरली आज के सेशन की बात करें तो मुझे लगता है मार्केट 0.25% डाउन खुला है। अगर 2940 तक का लेवल मिले बेचिए, शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 2860 का, बट 2800 से 2850 का जो लेवल रहेगा वो मुझे लगता है पोजिशनली काफी अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए, जो 2500 तक के लेवल दिखा। ठीक है माधवी, आपकी कॉल क्या होगी करंट मार्केट प्राइस पर? अगर ट्रेड करना हो क्रूड में तो क्या करना चाहिए? क्रूड में जैसे कि देखा गया है कि थोड़ा करेक्शन आया है, बट मुझे लगता नहीं कि करेक्शन ज्यादा सस्टेन करेगा, तो 2900 के आसपास में कॉन्ट्रैक्ट बाय किया जा सकता है 3030 के टारगेट से और स्टॉप लॉस 2840 का। ओके माधवी, नेचुरल गैस के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा? ये काउंटर भी काफी ज्यादा वोलेटाइल है पिछले कुछ दिनों से, फंडामेंटली और टेक्निकली ये मार्केट आपको कैसा दिखता है? नेचुरल गैस फिलहाल एक कल ही काफी करेक्शन आया मार्केट में इन्वेंट्री रिपोर्ट के बाद, तो इन्वेंट्री को देखते हुए मुझे लगता है कि आज की दिन में वीकनेस कंटिन्यू हो सकती है, तो नेचुरल गैस में भी सेल करके चलने की का ही सजेशन रहेगा। जो मे कॉन्ट्रैक्ट है वो 139-140 के आसपास सेल करके चल सकते हैं, 133 का टारगेट है, 142 का स्टॉप लॉस।